तो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो में। तो ये पार्ट टू है फ्रेंड्स, पार्ट वन नहीं देखा तो जाकर फटाफट से जाकर देख के आइए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 1,00,000 डॉलर कलेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ये इधर बैठा है, तो इसके पास से हम कार को हम परचेस करने वाले भाई। ये कर ली है कार परचेस हमने, तो इसका देखते हैं हम इसको डायरेक्ट टो कराने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, पैसा जल्दी ही जल्दी अर्न करना है। तो ये वैन लेके हम जिम जा रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड में एक कार तो बेचने नहीं वाला, तो इसको भी मैं टो कर देता हूँ फटाफट से। तो और एक कार यहाँ पे आ चुकी है, तो इसको भी हम बाय करने वाले हैं। तो चल भाई आ जाए हमारे कार जोन में, इसको डायरेक्ट हमने टो फिर से एक बार करा दी। तो फ्रेंड्स घूमते घूमते हम इस बुड्ढे के पास आ चुके हैं, और ये बुड्ढे के पास से हम रेड वैन खरीदने वाले हैं। कितने में? 11,000 डॉलर की। तो हमने ये और एक कार खरीद ली है, इसको हम डायरेक्ट टो कराने वाले, क्योंकि घुमा के नहीं लेके जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स विलेज से हम घूमते घूमते आ चुके हैं हमारे कार जोन में। ये रह रही हमारी 4 कार्स। तो ये हमारी ब्लैकबेरी को हम जाने बेचने के लिए। तो चल चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। तो हमारे ब्लैकबेरी को हम सेल में डाल रहे हैं फाइनली। तो कार लिस्ट में गए, और ये रही कहाँ गई पहली, ये 6,000 की हमने ब्लैकबेरी को खरीदी थी, और इसको हम 12 में डाल देते। चलो नहीं 12 लाख नहीं 12,000। तो ऑन सेल आ चुकी है 12,000 में, देखते कोई लेता है या नहीं लेता है। तो इसका तो कस्टमर हमारे ऑफिस में आ गया फाइनली, तो देखते हैं कितने में खरीदते। सिर्फ 8,000 में, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है इसको बेच देनी चाहिए 8,000 में। चल ले जा, एक कार तो चली गई अपने कार जोन से। तो हमारी वाइट वैन को भी हमने खड़ा कर दी है अपनी कार लिस्ट में बेचने के लिए, और ये हमने ली थी 13,000 डॉलर की। तो इसको हम कितने में बेचेंगे? 20,000 डॉलर में, क्योंकि हमें पता है सिर्फ 2-3 हज़ार का प्रॉफिट ही होता है आजकल। वाइट वैन का कस्टमर आ चुका है हमारे ऑफिस में, तो इसको 15,000 में बेच ही देते 15,000 डॉलर पे, क्योंकि हमें जल्दी बहुत इस वीडियो को ख़त्म करने की नहीं, कार्स को इकट्ठे करके बेचने की। तो चल रेड वैन को भी हम बेचने वाले हैं अभी। फाइनली रेड वैन को लिस्ट में डालने का समय आ चुका है। तो कौन सी यही लग रही है, 11,000 डॉलर की खरीदी थी, और 25,000 में मैं बेच रहा हूँ। कुछ मैं मुनाफा करने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता ही है ये कोई कार ले नहीं रहा। ये लेडी हमारी कार जोन में आ रही है अपना वो बेचने के लिए कार, लेकिन हम अब खरीदने नहीं वाले हैं। ये रही हमारी वाइट कार, लेकिन हमारे इसको भी हम डाल देते हैं अंदर, क्योंकि फिर तब तक वो क्लाइंट आ जाए ना हमारे कस्टमर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन कार जोन में क्लाइंट आ जाए इसीलिए। तो चलिए ड्रिफ्ट बढ़िया लगा रही है कार, इसको रख दी साइड में, और हमारा कस्टमर आ चुका है 14,000 में ले रहा है, क्योंकि उसको बाइक कर ही दे रहे, सेल कर ही दे रहे। हमारी लास्ट कार अभी हमारे कार जोन में, इसको भी हम बेच के थोड़ा प्रॉफिट और अर्न कर लेते हैं आज के दिन का। तो नहीं 10 डॉलर में तो मेरा ये कार जोन बिक जाएगा 15,000 डॉलर में। इसको मैं सेल करने वाला हूँ, और ये मेरी आखिरी कार सेलिंग होने वाली है, क्योंकि ये पार्ट 3 के लिए कन्वर्ट होने वाला है वीडियो, क्योंकि इस पार्ट में तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा अपना ये चैलेंज। ये पार्ट 3 तक जाने वाला है ये, तो नेक्स्ट वीडियो देखना। और मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना, और कमेंट भी दे देना। ये लेडी आ चुकी है हमारी कार को परचेस करने के लिए, इसको हम ऐसे ही सेल कर देने वाले हैं, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है ऐसा आप लोग को लगता होगा, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा बार्गेनिंग करने वाला हूँ। एक बार की मना करिए, दूसरी बार करने वाला हूँ, थोड़ा 400-500 ज़्यादा मिल जाए डॉलर तो अच्छी बात है। जी मिल गए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स।